नमस्कार दोस्तों, कामयाबी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइंस या विज्ञान का एक टॉपिक लेकर उसके बारे में वर्णन करेंगे। हमारा टॉपिक होगा अम्ल और क्षार, एसिड और बेस। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं एसिड होता क्या है। इसे हम अम्ल कहते हैं। अम्ल के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें क्या होंगी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, परिभाषाएं क्या होती हैं, परिभाषाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले परिभाषा इसकी होती है, अम्ल वे होते हैं जो एच पॉजिटिव आयन को शामिल रखते हैं। तो इसका इंग्लिश में अनुवाद क्या होता है, विच कंटेन रिप्लेसेबल एच पॉजिटिव आयन। तो इसे हम कहेंगे विच कंटेन रिप्लेसेबल एच पॉजिटिव आयन। अम्ल वे होते हैं जिनमें एच धनात्मक आवेश होता है, उन्हें अम्ल कहा जाता है। दूसरी परिभाषा होती है विच प्रोवाइड एच पॉजिटिव आयन, जो एच पॉजिटिव आयन देते हैं। ये परिभाषा किसने बताई, ये बताई आर्हेनियस ने। नेक्स्ट परिभाषा इसकी होती है विच प्रोवाइड प्रोटॉन। अगली परिभाषा होती है जो प्रोटॉन को दान करते हैं या देते हैं। ये परिभाषा बताई लोरी, ये परिभाषा लोरी ने बताई थी। लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये परिभाषा होती है। एक और परिभाषा है एसिड विच टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए लोन पेयर। अम्ल वे होते हैं जिनके पास लोन पेयर लेने की प्रवृत्ति होती है, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ये परिभाषा लेविस के अकॉर्डिंग है, ये परिभाषा लेविस ने बताई। तो अम्ल की तीन चार परिभाषाएं होती हैं। नंबर एक, जिसमें एच पॉजिटिव आयन होता है, नंबर एक। नंबर दो, जो हमें एच पॉजिटिव आयन उपलब्ध कराता है, ये आर्हेनियस ने बताई। नंबर तीन, जो हमें प्रोटॉन देता है, ये लोरी के अकॉर्डिंग परिभाषा है। नंबर चार, वह अम्ल जो हमें लोन पेयर देने की प्रवृत्ति होती है, उसे अम्ल कहा जाता है। अब हम बात करें अम्लों के प्रकार की। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड का वर्गीकरण की बात करें तो यह कई टॉप भागों में बांटा गया है। नंबर एक ऑक्सी एसिड। नंबर दो, हाइड्रा एसिड। नंबर तीन, ऑर्गेनिक एसिड। नंबर चार, मिनरल एसिड। और अब ऑक्सी एसिड क्या होते हैं, तो इसकी परिभाषा होती है ए एसिड विच कंटेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एक अम्ल जिसके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो कंटेन हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है ऑक्सी एसिड। इसके उदाहरणों की बात करें तो
तो इसका उदाहरण होता है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रो, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, ये ऑर्गेनिक ऑक्सी एसिड है। देखो आप, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ऑक्सी एसिड। हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड क्या होते हैं, डोज एसिड विच कंटेन ओनली एच पॉजिटिव आयन, एच पॉजिटिव आयन या एच टू हाइड्रोजन आयन, ऐसे अम्ल जिसमें केवल एच पॉजिटिव आयन हो उन्हें हम हाइड्रा एसिड कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, डोज एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो हमें कहाँ से मिले, ऑब्टेन होते हैं, कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑब्टेन होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब मिनरल की बात करें, मिनरल एसिड, डोज एसिड विच आर कंटेन इन, विच आर कंटेन कंटेन इन प्लांट मेटेरियल इन एंड एनिमल मेटेरियल, ऐसे अम्ल जो पौधे तथा जानवरों की सामग्री में होते हैं उन्हें हम मिनरल या खनिज अम्ल कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अब टाइप, प्रकार, अम्लों के प्रकार की बात करें तो टाइप ऑफ एसिड, टाइप ऑफ एसिड, अम्लों के प्रकार, अम्लों के प्रकार, दो प्रकार के अम्ल होते हैं। नंबर एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, बोले तो प्रबल एसिड, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल की बात करें तो क्या होते हैं, दोज एसिड कंप्लीटली हाइड्रोलाइज इन वाटर एंड गिव एच पॉजिटिव आयन, लार्ज अमाउंट एच पॉजिटिव आयन, तो क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली डिजॉल्व इनटू वाटर, पानी में पूर्ण घुल जाते हैं, तथा लार्ज मात्रा में, लार्ज मात्रा में, ज्यादा मात्रा में एच पॉजिटिव आयन देते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका उदाहरण HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये इसके उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट एसिड, हाइड्रोजन नाइट्रेट एसिड या नाइट्रिक एसिड। आगे प्रबल बात करें, प्रबल तो हो गया, आगे बात करें दुर्बल की, दुर्बल की क्या होंगे, ये पार्शियली डिजोल्व होंगे, क्या होते हैं, पार्शियली डिजोल्व, डिजोल्व इन वाटर, इन वाटर, पानी में कम घुलते हैं एंड लेस अमाउंट, लेस अमाउंट एच पॉजिटिव आयन आर फॉर्म, कम मात्रा में एच पॉजिटिव आयन बनाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एसिड, कार्बोनिक एसिड इसका एक उचित उदाहरण होता है। और बात करें तो लेमन जूस, लेमन जूस, बहुत से इसके उदाहरण होते हैं। अब हम बात करते हैं एसिडों की प्रॉपर्टी, अब हम एसिडों के गुणधर्म की बात करें तो हम हमारा आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल के गुणधर्म, गुणधर्म की बात करें तो अम्ल के बहुत से गुणधर्म होते हैं। नंबर एक सॉर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, नंबर एक प्रॉपर्टी हो जाती है ये। नंबर दो चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड, दूसरी हो जाती है चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं। आगे बात करें
अगली प्रॉपर्टी हो जाती है एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो प्रोवाइड द गिव द एच पॉजिटिव आयन सॉरी हाइड्रोजन गैस। तो एसिड जब मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस देता है। इसके उदाहरण की बात करें तो ये देखो HCl ये एसिड हो जाता है, ये मेटल हो जाती है। दूसरा हम लेते हैं ये देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारा Zn2 मेटल है। तो क्या ZnSO4 प्लस में H2 तो आपको क्या देता है H पॉजिटिव आयन देता है। आगे बात करें एसिड यदि बेस के साथ अभिक्रिया करता है, एसिड बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा साल्ट एंड वाटर देता है, हमेशा पानी और नमक लवण देता है। तो एग्जांपल की बात करें तो इसका उदाहरण हो जाता है HCl प्लस में NaOH, NaCl प्लस में H2O। आगे बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, यदि एसिड कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ऑलवेज हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। उदाहरण की बात करें तो HCl प्लस में NaHCO3 सॉरी कार्बोनेट CO3 के बात करें तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 हमेशा CO2। आगे प्रॉपर्टीज की एक और बात करें तो ये बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, ऐसे जब बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। उदाहरण की बात करें तो HCl NaHCO3 NaCl प्लस H2O प्लस में CO2। तो ये हुई हमारी एसिड की प्रॉपर्टियां। दोबारा रिपीट करते हैं, नंबर एक प्रॉपर्टी सोरिंग टेस्ट स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर दो बिलिरुबिन को लाल कर देते हैं, नीले थोते को लाल कर देते हैं। नंबर तीन एसिड को जब धातु के साथ अभिक्रिया कराता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस मिलती है। नंबर चार एसिड जब किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा लवण और पानी बनाता है। उदाहरण के तौर पर HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस में H2O। आगे बात करें एसिड जब बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो इसका उदाहरण ये हो जाता है HCl प्लस में NaOH NaHCO3 एरो NaCl प्लस H2O प्लस CO2। आगे बात करें जब एसिड हमारा कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो जब भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है तो उदाहरण के तौर पर बात करें HCl प्लस में Na2CO3 NaCl प्लस H2O ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। तो आगे हम बात करते हैं, अब आपका एक टॉपिक आ चुका है जिसे हम लिटमस कहते हैं। लिटमस क्या होता है ये अब ये प्रोसेस हम समझने वाले हैं, ये लिटमस क्या होता है एसिड। आगे देखें इससे पहले समझने से पहले हमें समझना होगा इंडिकेटर सूचक क्या होता है। तो हमारा जो टॉपिक होता है वो होगा सूचक इंडिकेटर। तो हम इंडिकेटर समझते हैं तो बताते हैं इंडिकेटर क्या होते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं इंडिकेटर। एसिड हमारा पास कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इंडिकेटर सूचक क्या होते हैं। इंडिकेटर सूचक क्या हैं, सूचक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार में रंग को बदल देते हैं। अम्ल एसिड और क्षार में रंग को बदल देते हैं उन्हें हम बदल देते हैं उन्हें हम इंडिकेटर या सूचक कहा जाता है। उदाहरण की तौर पे बात करें तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा और उस टेबल से आपका ये टॉपिक कंप्लीट या पूर्ण हो जाएगा। सबसे पहले हम इंडिकेटर, मैंने आपको बता दिया दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर गिव द कलर इन एसिड एज वेल एज बेस। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर ले लेते हैं। इंडिकेटर तो ये देखो हमारे पास इंडिकेटर, यहाँ पर हम डालेंगे इंडिकेटर जिसे हम सूचक कहते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं मिथाइल ऑरेंज
उसके बाद हम ले लेते हैं फिनोल, पैथेलीन, उसके बाद ले लेते हैं लिटमस। अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं एसिड, यहाँ पे लिख लेते हैं बेस। एसिड में क्या कलर चेंज होगा, बेस में कैसा कलर चेंज होगा, ये जानने वाले हैं। तो देखो अब क्या होता है, यदि हम मिथाइल ऑरेंज में, मिथाइल ऑरेंज में ये कलर देगा गिब्दा कलर, यहाँ पे लिख लेते हैं गिब्दा कलर। कैसे कलर देते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड में, एसिड में मिथाइल ऑरेंज हमेशा रेड कलर देता है, जबकि बेस में येलो कलर देता है। तो आगे बात करें फिनोपैथिलीन, एसिड में हमेशा कलरलेस होता है, जबकि बेस में पिंक होता है। अब बात करें लिटमस, हमेशा रेड टू ब्लू कर, ब्लू टू रेड लिटमस कर देता है, और बेस में बात करें तो बेस में यह रेड टू ब्लू हो जाता है। तो हिंदी में बताएं आपको सूचक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो एसिड अम्ल में कलर को बदल देते हैं, रंग को बदल देते हैं, उन्हें सूचक कहा जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल रंग देता है, जबकि क्षार के साथ हमेशा पीला रंग देता है। फिनोपैथिलीन हमेशा अम्ल के साथ कलरलेस हो जाता है, जबकि क्षार के साथ पिंक कलर का गुलाबी हो जाता है। लिटमस के साथ यह है एसिड ब्लू लिटमस नीले थोते को लाल में बदल देता है, जबकि बेस के साथ यह लाल थोते को नीले में बदल देता है। आगे बात करें, एक और आपको उदाहरण बताते हैं। अब एसिड कंटेन इन ए सब्सटेंस या एक, अब देखो किस किस में पदार्थ में कौन सा एसिड होता है ये जानने वाले हैं। अब सबसे पहले ले लेते हैं हम विनेगर, सिरका, ये हमारे पास में फूड मटेरियल है, भोजन सामग्री, भोजन सामग्री हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे दूसरी साइड हो जाएगा एसिड कंटेन, यहाँ पे लिखेंगे एसिड कंटेन, कौन सा एसिड इसमें उपस्थित होता है। सबसे पहले हम बात करें विनेगर, के अंदर एसिटिक एसिड होता है। विनेगर के अंदर क्या होता है, सिरका के अंदर जो सिरका होता है उसके अंदर एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल होता है। आगे बात करें आमला, खट्टे नींबू, मौसमी, जो भी कोई भी खट्टा हो उसके अंदर हमेशा सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और आपको बता दें सिट्रिक एसिड के अंदर विटामिन, सी पाता है, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नाम होता है, उसे कहते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम देते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। और यही विटामिन जो सी होता है वह हमारे शरीर के अंदर रोग निवारण क्षमता उपलब्ध करता है, इम्यूनिटी सिस्टम करता है। आगे बात करें टमाटो, टमाटर के अंदर एक एसिड होता है जिसे ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं, आगे बात करें टार्मेरिंद या ग्रेप्स, अंगूरों की बात करें या इमली की बात करें तो इसके अंदर एक अम्ल होता है जिसे कहते हैं टार्टेरिक अम्ल, अब बात करें बटर की, मक्खन के अंदर ब्यूटायरिक एसिड होता है, अब बात करें एप्पल की, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है, मैलिक अम्ल होता है। अब बात करें गेहूं की,
अब बात करें गेहूं की, गेहूं के अंदर ग्लूटामिक एसिड होता है, आगे बात करें घास या यूरिन की, यदि ग्रास और यूरिन हमारे जो पेशाब होता है और घास होती है उसमें एक अम्ल होता है जिसे कहते हैं बेंजोइक एसिड, कौन सा? बेंजोइक एसिड। आगे बात करें हमारी जो दही होती है, कर्ड दही होती है उसमें एसिड होता है जिसे कहते हैं लैक्टिक एसिड होता है। आगे बात करें जो आंट स्टिंग होता है, आंट स्टिंग चींटी होती है, उसके आंट स्टिंग हो या बी स्टिंग हो, मधुमक्खी का डंक हो या चींटी का डंक हो, उसके अंदर अम्ल होता है जिसे कहा जाता है फॉर्मिक एसिड, जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। इन्हें फॉर्मिक, अब हम आगे चलते हैं बेस के बारे में, तो बेस के बारे में हम चलते हैं, बेस क्या होता है ये जान लेते हैं। ये तो बात हुई अम्ल के बारे में, तो सबसे पहले बेस क्या होता है ये जान लेते हैं, क्षार क्या होते हैं। अब देखो ये बेस है जिसे हम क्षार कहते हैं, क्षार क्या होता है सबसे पहले इसकी परिभाषाओं के बारे में जाने, तो इसकी भी चार परिभाषाएं होती हैं। पहला विच कंटेन, इसमें ओ एच पॉजिटिव आयन होता है। और विच डोनेट, अगली बात करें तो ये डोनेट करता है, डोनेट द लोन पेयर, हमेशा लोन पेयर को दान देता है। आगे बात करें तो ये डोनर करेगा, प्रोटोनों को भी डोनर करता है, एक्सेप्ट करता है किसे? प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा। आगे बात करें तो यह हमेशा एच पॉजिटिव आयन देगा, हमेशा एच ओ नेगेटिव आयन देता है। ये सभी परिभाषाएं किसकी होती है बेस की। बेस क्या होता है? विच डोनेट द लोन पेयर, जो लोन पेयर को देता है। आगे विच एक्सेप्ट द प्रोटोन, जो प्रोटोन को लेता है। विच गिव द ओ एच आयन वेन डिजोल्व इन वाटर, जब यह हमेशा ओ एच आयन देता है जब इसे पानी में डाला जाता है। आगे बात करें तो इस